नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बाद बिहार की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण बिहार के लगभग 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इस समय हम हैं राजधानी पटना के पटना सदर के सोनावा पंचायत के खासपुर मोहल्ले में, और यहां से संबंधित एक दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी। खबर यह दिखाई थी कि यह पंचायत जो है, जो खासपुर गांव जो है, बाढ़ से घिर गया है और लगभग हर घर जो है यहाँ पानी से प्रभावित, यानी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि यह पुनपुन नदी के किनारे यह गांव पड़ता है, और पुनपुन नदी में जो जल स्तर बढ़ा है उसका पानी इस गांव के और चारों तरफ घिर गया है, जिसके बाद से पूरे का पूरा जल्ला क्षेत्र जो है वो प्रभावित है। कई हजार एकड़ जमीन यानी खेतों में जो है यहाँ बाढ़ का पानी घुस चुका है, और उसके बाद से यहाँ की स्थिति खराब हो चली है। राज्य सरकार की तरफ से कोई राहत पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन जन अधिकार पार्टी के तरफ से, यानी कि पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से राहत इस गांव में पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो जन अधिकार सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्वी जिला अध्यक्ष हैं, वो राहत यहाँ पर लेके पहुँचे हैं और यहाँ पर राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे और सुनेंगे कि आखिर कैसे इस खबर का पता चला आपको। ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला और हम लोगों को पता चला, क्योंकि जल्ला पूरा जो है पानी से डूब गया है। यहाँ पे कोई राहत कार्य सरकार के तरफ से नहीं है और ना ही कोई देखने वाला है। यहाँ देखिए, अभी हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि भाई हम लोग खुद देखे हैं कि आज तो थोड़ा सा पानी कुछ घटा हुआ है, कल घर में पानी घुस गया था, लाइट नहीं है, लाइट कटा हुआ है। लाइट नहीं रहने की वजह से रात में सांप सब पूरा, मतलब जब पूरी गांव पानी से ही गिर गया तो समझिए सांप बिच्छू तो घर में घुसना तो वो है। यहाँ की देख लीजिए, पूरी पब्लिक हम लोग के साथ है। ये लोग सारे बता रहे हैं कहीं से सरकार की तरफ से कोई राहत कार्य नहीं हुआ है। अभी हमारे पूर्वी जिलाध्यक्ष जो हैं प्लस प्रत्याशी जो हैं यहाँ के सचिदानंद जी, इन्होंने अभी CEO से बात किया है, इन्होंने जिलाधिकारी से, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि कल हम यहाँ पे कर्मचारी को भेज करके सर्वे कराते हैं, इसके बाद हम राहत कार्य के लिए अपना वो करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जन अधिकार पार्टी के सारे लोग अपने सुप्रीमो के निर्देश तो जानते ही हैं। ये देखिए, हम लोग जो है सारे बच्चों को, यहाँ पे बुजुर्गों को, जवान को, जितने भी हैं सबको हमने ये बांटा है और हम पूरा बांटने काम करेंगे और हम हमेशा आएंगे यहाँ पे जब तक ये निदान नहीं हो जाता। आप बताइए, जब इस गांव में बाढ़ का पानी कैसे इस बात की जानकारी मिली कि आपको यहाँ पर आना है? देखिए, मुझे जानकारी प्रथम मैं बता दूँ कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चुनाव भी लड़ा था अपने जन अधिकार पार्टी से, प्लस जिला अध्यक्ष भी हूँ पटना जिला का। मुझे बरकर के द्वारा और आपके चैनल के माध्यम से यह पता चला कि सदर प्रखंड के खासपुर, हिरावनपुर, ये बरादपुर, इन सारे गांव में जो है जलमग्न हो गई और किसानों का फसल जो कई एकरों में जिसकी तुलना है, लगभग सारे फसल बर्बाद हो गया। आज हमारे किसान भाई खाने दाने के मोहताज हो गए। आपके माध्यम से पता चलने के बाद और वर्कर के थ्रू जब हमने देखा, तो हमने यहाँ जब पहुँचा तो सारे किसान भाइयों से हमारी वार्तालाप हुई और हमने इस सदर CEO को दूरभाष पे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कल मैं कर्मचारी के द्वारा सर्वे करवा लूंगा और राहत कार्य बंटवाने का कार्य करूंगा। लेकिन उससे पहले तो लेकिन जन अधिकार पार्टी शुरू से ही सुख में लोगों के खड़ा न हो, लेकिन दुख के घड़ी में लगातार खड़ी रही है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव जी को जब सरकारी कुकर्म के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उस दरमियान भी उन्होंने यह भार जो है पटना जिला अध्यक्ष मुझे सौंप दिया था कि मैं हमारे जिला अंतर्गत उस कोरोना महामारी में भी
कहीं भी लंगर बंद नहीं हो, लोगों को राहत सामग्री मिलते रहे। यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी तो हमने अपने गाड़ी में फूड पैकेजिंग लेकर के आए और यहाँ जो अभी तत्काल जो बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं उन्हें यह फूड पैकेजिंग के रूप में दिया। और मैं तत्काल यह सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जल्द यह जलमग्न पड़ी हुई गांव जो किसान बदहाल स्थिति में है इन्हें फसल क्षति की मुआवजा जल्द से जल्द देने का कार्य करें। इनके बच्चे जो स्कूल फी भी अब नहीं भर सकते हैं उन्हें राहत कार्य पहुंचाएं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं हमारे बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। और सारे किसान भाइयों के बच्चे फसल बर्बाद होने के कारण बहुत ही कष्ट में जो है व्यतीत करते हैं। जन अधिकार पार्टी इसके बाद फिर यहाँ जो है स्वास्थ्य शिविर से लेकर सारी व्यवस्था करेगी। और सरकार यदि राहत कार्य नहीं पहुंचाती है तो कुछ दिनों के अंतराल हम लोग जो है यहाँ धरना पर बैठने का भी काम करेंगे, भूख हड़ताल भी देने का काम करेंगे, ताकि सारे किसान जो आज स्थिति दयनीय स्थिति में है इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सचिदानंद यादव, जिला अध्यक्ष पटना, सहपुर प्रत्याशी। तो आप देख रहे थे कि ये पप्पू यादव के लड़ाके हैं जो कि ये पटना सदर के खासपुर यानी सोनावा पंचायत के खासपुर गांव में पहुंचे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है और यहां पर फूड पैकेजिंग या लेकर यहां पर पहुंचे हैं और इस गांव में वितरण भी किए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य सरकार का राहत ना पहुँचने के पहले ही यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री वितरण किया गया है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना से।